किसी तो कर दो, किसी कर दो। और ठीक है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेक्सी व्लॉग्स। तो आज है हमारे यहाँ पे सेकंड मॉर्निंग, मतलब सेकंड डे, और अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं। जिनको बुला लूँ, एक्चुअली मैं उन लोगों को उठाने गई थी। मेरा वैसे हमेशा का लेट होता है, बट रात को ना मैंने ज़्यादा फ़ोन में नहीं लगी, एक तो मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं था, और बस वो लोग भी रेडी हैं। तो मैं रात को सो गई, तो इसलिए मैं सुबह 7:30 बजे आराम से उठ गई थी। अब बस हम निकलते हैं। चलो बस हम मायशा को शूज़ डाल रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी धूप आ रही है, बट हल्की हल्की ठंड है, तो मैंने दीपू की स्वेट शर्ट डाल ली। दीपू की स्वेट शर्ट नहीं डाली। नहीं डाली? गुड मॉर्निंग कर दो सबको यहाँ पे। मायरा गुड मॉर्निंग कर दो सबको यहाँ। बोलो हाय, गुड मॉर्निंग। इधर इधर बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैरा तो इडली खा लेगी। अचार, कोकोनट चटनी, इडली, सांभर, छोले, पोहा, दलिया, वाओ, हेल्दी वेजेस खा लेना आपको, पोटैटो राइस, केचप, ये बीन्स। ये क्यों है? यहाँ भी है। फ्रूट्स भी हैं। यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, जूस है। मेरा तो मैंने तेरा पानी कर सही बताओ कराते हैं। फिर कहाँ निकलना है आज? कहाँ चल रहे हैं? कहाँ? चलो अच्छा, चलो। तो हम रेडी होना स्टार्ट हो रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद। और ये मायरा के कपड़े, वो मेरी एक कुर्ती है जस्ट, और वो दीपू के कपड़े। तो फटाफट से रेडी होते हैं और जैसे ही निकलते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अरे गिलास गिर जाएगा। एक मिनट, पूरा तो ये शर्ट तो पहनाने दो बेटे। देखो मारा मायरा पल, डैडा को तो बुलाओ नॉक करके, बोलो डैडा आ जाओ। नहीं कर दिया मैंने शायद भाग। मेरे घर आओ मेरे पास। दीपू मायरा साथ में एक खिंचवा लो। एक एक अलग हो जाएगी ना, सही रहेगा। आ गई हमारी फाइनली गाड़ी 2 बजे। मैं बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बैठ जाऊंगी। मैंने मायरा को इसलिए आगे भेजा है ताकि दोनों बच्चों में से एक आगे रहे। बट मैं बैठ, खोल कैसे बैठना है। हम लोग कैब में बैठ गए, कैब फाइनली हमारी आ गई 2 घंटे बाद, और 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट। अब तो 2:30 बजे वाले होंगे और हमने थोड़ा सा स्नैक लिया है। और हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस जगह पर, जो कि सिटी पैलेस। घूमेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या, और दिखाते आप लोगों को। जिन लोगों ने देख रखा है उनके लिए थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो घूम लेंगे। तो अभी मैं ये खा रही हूँ अपना लेज, इन्जॉय कर रही हूँ। आगे भी इन लोगों का चल रहा है चटपट, और मैंने डिस्प्रिन खाई है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे को इन लोगों ने सबके पीछे बिठा दिया एकदम अकेले, और मैं आराम से लेते हुए जाऊँगी। अब ये मेरी जगह देखो पड़ती नहीं जा रही है, आराम से बैठी पीछे। तो हमें कैब ने उतार दिया बिकॉज यहाँ से वॉकिंग
और मैं मायरा की जैकेट तो हाथ में ले रखी, बैग लेने हैं मुझे, और यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट्स पीछे से, तो जाएंगे अंदर। मायरा सो गई है तो बच्चों के साथ तो मुश्किल है ही, बट कोई बात नहीं, अब आदत हो गई हमें। पर मन में कोई लड्डू नहीं फूटा इसको खा के, है ना? यार इसका शूज कहाँ है मायरा? गाड़ी में रह गया होगा। मायरा जी सो रही हैं, हमारी मायरा सो गई है। फाइनली टिकट्स ले लिया, और यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा अजीब है, हमें लगा यहाँ पे एक टिकट होगी अंदर पूरा घूमने की, फिर अंदर जहाँ भी जाना है जो भी है अलग अलग घूमने का अपना देना होगा, बट यहाँ पे अंदर जाने के लिए भी हर चीज़ में ना, म्यूजियम जाना है तो अलग टिकट लेनी है, या ऐसे अलग अलग एरिया है तो सबकी अलग अलग टिकट है। अब पता नहीं लोगों ने किस किस हिसाब से ली फिर टिकट, सारी ले ली। सिर्फ म्यूजियम म्यूजियम घूमेंगे क्या बच्चों के साथ? अरे भाई कुछ नहीं है, हमने कल वहाँ खाना खाया था वो रहा। ये रहा म्यूजियम जहाँ के हमने टिकट ली है, और पीछे देखो बहुत ही बड़ी लेक है, जैसे कि दीपू ने बताया वहाँ हमने रात को डिनर करा था, और वो रहा ताज पैलेस, उदयपुर का सबसे महंगा और मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल। चलो चलते हैं द सिटी पैलेस म्यूजियम। इतने परेशान हो गए हैं हम यहाँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा इतने सारे एरिया है कि कहाँ कैसे घूमें, और साथ में बच्चे हैं तो हमने फाइनली गाइड ले लिया है, हमें गाइड मतलब अच्छे से घुमाएंगे, सब कुछ बताएंगे, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि यार अकेले हो तो बंदा घूम भी ले कैसे भी, बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो दिखाती हूँ आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली। आप जो पैलेस देखने चल रहे हैं, चढ़ाई है ये 1930 की टाइल्स हैं, जिसको लंदन से मंगवाया गया लगाने के लिए। ये जो कोठार देख रहे हैं इसको राजा के वेपन्स, जिनका वेट है 35 kg। रास्ते दरवाजे इसलिए छोटे हैं, बताती हूँ आपको रीजन। ये भी के नहीं, अच्छा देख
हाँ ये काम सर जो है एक्चुअली में हमें मतलब सर आप किसी को लीजिए मैं फोटो लेता हूँ। अच्छा फोटो ऊपर छोड़ दो, देखो देखिए स्लीपर्स देखना बच्चों के भी कड़ा 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 फैंसी क्यों तो हमने पूरा सिटी पैलेस घूम लिया और हमारी लग गई है वाट, क्योंकि ये छोटी छोटी जगह थी आपने देखा ही होगा क्लिप्स में सीढ़ियाँ, और वो छोटी जगह मैं बता रही थी इसलिए होती थी, अंकल ने बताया छोटे दरवाजे इसलिए होते थे ताकि अगर कोई भी एनिमीज यानी दुश्मन आ जाए हमला करने तो वो एक एक करके आए, उन्हें टाइम लगे झुक झुक के आने में, एकदम से आके हमला ना कर पाए और उनको मतलब मारने का टाइम मिल जाए, जंग मतलब लड़ने का फाइट करने का टाइम मिले, क्योंकि वो झुक कर आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, इसलिए छोटे दरवाजे बनवाए हुए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया और अब हम लोग जा रहे हैं वैन करके, मतलब एक ऑटो रिक्शा क्या होता है यहाँ पे जो बाहर तक हमें छोड़ता है, आते वक्त हमें करना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा मुश्किल और ढलान वाला रास्ता था, चढ़ने में दिक्कत हुई, अब उतरने में तो नहीं होगी बट फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हालत डाउन हो गई, बच्चों को गोद में ले लेके इतने टफ रास्ते में अंदर चलना, और आज मूड काफ़ी कल से ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। मायरा ने पर थोड़ा सा परेशान करा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही करा है, पीछे आप सहमा की हालत भी देख सकते हो, आ रही हो रही हालत करा यार, मैं क्या पकड़ू ये मायरा आप डैडा के साथ आगे चलो जीन्स नीचे कर लेना दीपू, इसकी जीन्स नीचे कर दो, जा रही हूँ। साइमा तू पीछे चली गई, कंफर्टेबल है? देख ले बच्चे के साथ क्योंकि मेरे को अकेले बैठना है। हाय सो रही हो तो चलो भैया, भैया हाय बढ़िया से रेस्टोरेंट, भूख लग रही है भैया, बहुत ही भूख लग रहा है भैया, आप हमें बता नहीं सकते थे यहाँ से ऑटो मिल जाएगा अंदर तक जाने का, हम पागलों की तरह इतना चल के गए हैं भैया, फोटो तो लेते अभी। अरे भैया सोचो बच्चे गोद में सोए हुए, हम करेंगे बर्चिंग, और हम कहाँ जा रहे हैं भैया? फतेह सागर, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक खाएंगे फिर बोटिंग करेंगे फिर हम कुछ खाएंगे क्योंकि फिर बोटिंग का टाइम हो जाएगा कितने तक खुलती होगी, अंधेरे से पहले पहले उतरो, अंधेरे के बाद बंद हो जाते हैं, बस मायरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम तो है ही बड़े, मायशा को तो अभी ज्यादा पता नहीं है तो वो तो बस पीछे दे दिया आपको पानी पिला दे।